माँ बाप में भगवान की छवि होती है, उनकी बस एक दुआ जिंदगी बना देती है। माँ बाप की सेवा कर लो तुम सुबह शाम, घर बैठे ही मिल जाएंगे तुम्हें चारों धाम। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है बेबस अम्मा बाऊ जी। रोहित ने घर आकर अपनी माता पिता की ऐसी हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने किटी पार्टी से लौटी अपनी पत्नी के एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई हो। रोहित ने छवि के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज्यादा बद से बदतर कर दी, रोहित अपनी पत्नी छवि से कहते हुए। उनसे तुमने एक एक दाने का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं। समझे तुम, अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से, रोहित ने तबक कर कहा। रोहित अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और वो दिन याद करने लगा जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था, तो वर्मा जी ने पड़ोसी की मदद से विमला जी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन वर्मा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे पैसे जमा कर इलाज करवा पाते। उन्होंने अपने बेटे रोहित को फोन किया। हेलो बेटा रोहित, मैं पापा बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर रोहित सन रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे कब आया पापा और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो बस। डॉक्टर ने पूरे 1,00,000 रुपए मांगे हैं। रोहित नम आंखों से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ। नहीं नहीं पापा, आप डॉक्टर से कहो कि वह इलाज शुरू करें, मैं अभी पहुँच रहा हूँ, और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रोहित हड़बड़ा कर घर आया, अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी माँ पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो रोहित, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना, आज मेरी सहेली की सालगिरह है, हमें वहाँ चलना है। 5-स्टार होटल में पार्टी रखी हुई है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और रोहित, तुम अपनी माँ की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां अलग ही रहती हैं। छवि रोहित के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। रोहित ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की लगी है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता। रोहित ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वर्मा जी बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। पापा अब मैं आ गया हूँ ना, अब बस सब ठीक हो जाएगा। और रोहित ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें एक चेयर पर बैठा दिया। रोहित अपने पापा के हाथ को पकड़ कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। रोहित जाकर सबसे पहले डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, रोहित डॉक्टर जी से कहते हुए। डॉक्टर ने रोहित को दिलासा दिया, रोहित जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी माता जी को बचाने की। और डॉक्टर निर्मला जी का इलाज करने में जुट गए।
कुछ ही दिनों में निर्मला जी पूरी तरह ठीक हो गई। रोहित अपनी माँ को अस्पताल से पापा के घर लेकर आ गया और कुछ दिन रोहित ने वहीं रहकर उनकी सेवा की। लेकिन काम की वजह से उस पर फोन पे फोन आ रहे थे, तो वर्मा जी ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनके जोड़ों का दर्द तो हमेशा से ही है, क्या करें, अब बुढ़ापा जो आ गया है, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। रोहित ने तब तो हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन रोहित के हाथ में दो बैग देखकर उसके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा, इनमें क्या है, कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है, रोहित मम्मी पापा से कहते हुए। आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं शहर? नहीं बेटा, हम यहीं सही हैं, बस तुम हमसे मिलते रहना, हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते ही हो बेटा कि बहू हमें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, वर्मा जी कहते हुए भावुक हो गए। पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, पर आप दोनों को मैं अब अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतनी जिद करने पर निर्मला जी और वर्मा जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर देखकर छवि का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। निर्मला जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे तो रोहित मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा, यह आपका ही तो घर है, बेझिझक होकर घर में पूरे अधिकार से आइए। और रोहित ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर निर्मला जी और वर्मा जी भावुक हो गए। पापा, मैंने जब यह घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा दिया था। बेटे का प्यार देखकर दोनों ने रोहित को गले लगा लिया। पापा, अब आप दोनों आराम से यहाँ रहिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही रोहित बाहर आया, छवि रोहित का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गवार बूढ़े बूढ़ी को यहाँ लाने के लिए? छवि, जुबान संभाल कर बोलो, वो मेरे मम्मी पापा हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित गुस्से से तिलमिलाता हुआ बोला, मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को कोई भी तकलीफ हुई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहित ने अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। समय के साथ साथ निर्मला जी की अब तबीयत में भी सुधार हो रहा था। रोहित के मम्मी पापा रोहित के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती। एक दिन रोहित को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। रोहित ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रोहित बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ, निर्मला जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा और रोहित मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही छवि हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितनी महंगाई है, इनके आते ही घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बनाकर रख दिया है इन बुढ़ा बुढ़ी ने, अरे मेरे मायके में तो इन दोनों को कोई नौकर भी ना रखे, गवार कहीं के, ना पहनने की तमीज है ना खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते। बहू ने घर के नौकर को उनके बेटे के जाते ही उसकी छुट्टी कर दी और उसकी जगह वर्मा जी को काम पर लगा दिया था। छवि दंदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गए मेहमान नवाजी, अब चलिए पापा जी, थोड़ा हाथ पैर हिला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। छवि
तमक कर बोली, मम्मी जी आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटा दीजिए। बेटा तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर निर्मला जी से यह सब नहीं होगा। बाबूजी कहते हुए, हाँ आप तो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने को ही पड़े हैं, बस काम को कह दो तो बहाने बनाने लगते हैं। छवि मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए बोली, यह पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना। वर्मा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्हें रसोई में रख दिया। बेटा मैंने सब्जी रसोई में धोकर रख दी है। सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में हाथ पैर सुन हो गए। दो कप चाय बना दो बेटा, वर्मा जी कहते हुए, मैं आपकी नौकरानी नहीं जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया, यहाँ रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा, जाइए खुद बना लीजिए। बहू ने एकदम से तमक कर कहा और अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। वर्मा जी ने दो कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। यह देखकर निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। अरे निर्मला तुम चाय पियो और सब भूल जाओ, हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निर्मला जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया, तो वर्मा जी ने खुद ही खाना बनाया और निर्मला जी को भी खिलाया। निर्मला जी से अब काम नहीं होता था, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उनके हाथ पैर अब ज्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कमरे से बाहर आई तो अकड़ कर बोली, यह क्या है, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है, पूरी रसोई फैला कर रख दी है, गवार कहीं के, मुझे पूरी रसोई साफ चाहिए, जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। वर्मा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद सारी रसोई और बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कह बहू वहां से चली गई। बेचारे वर्मा जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ किए, कुछ खाना दोपहर का ही बचा हुआ था तो शाम को वही खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हाल चाल पूछने के लिए रोज सुबह शाम फोन किया करता था, मगर वर्मा जी और निर्मला जी अपने बेटे से बहू की कुछ भी शिकायत नहीं करते थे। अगले दिन सुबह बहू 200 रुपए सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना। वर्मा जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने वर्मा जी का थैला पकड़ा दिया। अच्छा भाई एक काम और करो, एक कागज पर हिसाब लिख देना जरा। अच्छा बाबूजी, कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज के एक टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिए। वर्मा जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जी का दाम और वजन पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई शिकायत नहीं होगी। बेचारे बाबूजी की इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत खराब हो गई। रास्ते में कुछ दूरी पर उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी, तो वहां रुककर उन्होंने 10 रुपए की चाय पी ली। थोड़ी ही दूरी पर पास चल रही आग पर अपने हाथ पैर सेके और बेचारे फिर चल दिए सब्जी का थैला लेकर। ठंड इतनी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कटे जा रहे हों। जैसे तैसे बेचारे बाबूजी घर पहुंचे, रसोई में सब्जी धोकर रख दी। बहू सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सोकर ही नहीं उठी, शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही दो कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज आई, मुझे पता था चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही पसी है। बाबूजी सब्जी में से 10 रुपए बचे थे, वह कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज उससे बिना इजाजत नहीं लेनी चाहिए? कहाँ है बाकी के पैसे?
बाबूजी संकोच हुए बोले, बहू ठंड लग रही थी, रास्ते में तो मैंने 10 रुपए की चाय पी ली, यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते, घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गई हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गईं, पर बेटे के खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह रहे थे। अब तो बाबूजी रोज ही अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब खुद बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उससे मिलने घर आई, तब बाबूजी निर्मला जी के लिए दलिया बना रहे थे। अरे सीमा, तू क्यों आई यहाँ? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुमसे मिलने, छवि ने हड़बड़ाते हुए अपनी सहेली से कहा। क्यों मैं नहीं आ सकती तेरे घर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, वहां चलकर बातें करते हैं। छवि सीमा को हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि बाबूजी पर उनकी नजर ना पड़े। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि बाबूजी वहां पहुंच गए। बहू, मुझे देसी घी नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से। छवि बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोली। सीमा ने छवि से पूछा, कौन है यह इतने बुजुर्ग और पहले तो कभी नहीं देखा? अरे कुछ नहीं, नया नौकर है यार, अभी नया नया आया है ना, तो इससे कुछ पता नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गई। पीछे से बहू ने आवाज दी, सुनो मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफी लेकर आओ जल्दी। बाबूजी ने अपने आंसू पोंछे और कॉफी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और चुपचाप वहां से वापस आकर और अपनी पत्नी के लिए बिना घी का दलिया लेकर चले गए। क्या हुआ जी? विमला जी कहती हुई, बहू किस पर चिल्ला रही थी? अरे कुछ नहीं, तुम दलिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहू चिल्लाते हुए आई, अगर कॉफी बनानी नहीं आती तो बता नहीं सकते थे, मेरा सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? विमला जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। आप चुप ही रहिए, काम की न काज की दुश्मन अनाज की, अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को तो आकर देखती हूँ मैं, और हाँ मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना कहकर बहू अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर निर्मला जी रोने लगी। अरे निर्मला, तुम बात बात पर रोया मत करो, वर्मा जी अपनी पत्नी निर्मला जी से कहते हुए, देखो अगर मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुरा है? तुम ही तो कहती हो कि आदमी के हाथ पांव चलते रहने चाहिए, वरना उसका शरीर जाम हो जाता है और ऊपर से 100 बीमारियां और अलग से लग जाती हैं। बाबूजी ने निर्मला जी के आंसू पोंछे और उन्हें कंबल उड़ाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने चले गए। थोड़ी देर में मम्मी पापा, कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में रोहित दौड़कर गया, माँ के पैर छूते हुए बोला, अरे माँ कैसी हो और आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देख निर्मला जी की आंखें भर गईं। माँ देखो तो मैं दिल्ली से आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, आपके लिए नया शॉल, नई जर्सी, और बाबूजी कहाँ हैं? मैं कब से पूछ रहा हूँ, वह कहीं दिख नहीं रहे। अपने बेटे को सामने देखकर निर्मला जी की छाती भर आई। निर्मला जी ने रोते रोते अपने बेटे को सब बता दिया। यह सुन रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में जाकर देखा तो बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। यह देख रोहित की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा तुम कब आए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में छवि भी घर पहुंच गई थी।
और रोहित को देखकर उसके होश उड़ गए। अरे रोहित, तुमने तो बोला था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? छवि जैसे ही रोहित के पास आने लगी, रोहित ने एक जोरदार तमाचा छवि के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई थी, रोहित ने छवि के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है, लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माता पिता की हालत नौकरों से भी ज्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की, वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं, समझी तुम? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, रोहित ने छवि के ऊपर गुस्सा कर कहा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, छवि रोते हुए बोली, रोहित के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, रोहित तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जन्मदाता माता पिता का अपमान सहन कर लूं, तुम्हारे लिए उनको अकेला छोड़ दूं। मैंने सोचा था कभी ना कभी तो तुम मेरे मम्मी पापा को समझोगी, लेकिन मैं गलत था, तुम जैसी औरतें ही हंसते खेलते परिवार को भी खेल कर रख देती हैं। देखो मेरे माता पिता को अभी भी वह तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रही, और तुमने मेरे मम्मी पापा की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। अरे शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर रोहित अपनी मम्मी पापा के पैरों में बैठकर माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा और रोते हुए अपने माता पिता से बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। छवि भी निर्मला जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोले, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। निर्मला जी बोली, बेटा माफ कर दे अब बहू को, लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन रोहित ने उनकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाबूजी ने रोहित को रोकना चाहा, लेकिन नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर मैंने आज छवि को माफ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं, उनको सबक कैसे मिलेगा? तो दोस्तों आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।